96.4। कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता की अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघे के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के साते दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार, प्रणाम, शुभ प्रभात हमनी के तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के। कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम मनोज पटेल के तरफ से अपने के हम ढेर सारा स्वागत अभिवादन कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में करे के चाहता नहीं। रेडियो 96.4 बुनका 4 MHz के तरंग पर तरंगित होके वाला हरेक बिहार दिन सवेरिया 7:30 बजे से 8 बजे तक हमनी के प्रसारण होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में हमनी के समाज संगे, विकास के संगे और जनता के जनो सरकार संगे जुड़ाइल हरेक पहलू पर हमनी चर्चा परिचर्चा और सीधा सवाल के सीधा जवाब हमनी खोजे के प्रयास करीने सन। और हरेक दिन हमनी के जनता के एगो जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता होके, चाहे कोनो भी क्षेत्र के विज्ञ होके, उन लोग के हमनी के बुला के आमने सामने के कार्यक्रम में उन लोग के जिज्ञासा, जनता के जिज्ञासा, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता लगायत के व्यक्तित्व लोग संगे हमनी राखीने और उनकर सीधा सवाल के सीधा जवाब हमनी लेवे के प्रयास करीने। और आज के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के खसे प्रदेश सभा सदस्य चुनाइल पारस प्रसाद शाह जी के हम रेडियो के टेलीफोन संपर्क से प्रत्यक्ष रूप में स्टूडियो में जोड़ ले बानी आज। और जनता के जनो सरकार के विषय में आज हम उनकरा संगे बातचीत करें। सबसे पहले हम अबेर ना करके कार्यक्रम में हम उनकरा के स्वागत करें। पारस जी, हमने के कार्यक्रम आमने सामने में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद, धन्यवाद मनोज पटेल भाई। पारस जी, अपने एगो विधायक बानी, चारू ओरी चर्चा चल रहल बा कि ई जौन कोरोना के महामारी अभिन विश्वव्यापी रूप में चलल बा और नेपाल भी ऐसे अछूता नहीं के, एमे प्रदेश सभा सदस्य लोग के खासे जिम्मेवारी कुछ ना मिलल। प्रदेश सभा सदस्य लोग जनता में एगो जाए के खातिर उन लोग के चाहे बजट कही तो, चाहे एगो अच्छा किस्म के नीति निर्माण कही तब, चाहे जनता से सीधा प्रत्यक्ष जुड़ाए वाला कोनो गतिविधि अपने लोग कोरोना में करे ना सकनी है, इस विषय में अपने के का प्रतिक्रिया बा? एमए मनोज भाई, हमर प्रक्रिया ई बा, हमनी के जौन कानूनी व्यवस्था बा जी जी, उ कानूनी व्यवस्था के तहत हमनी के कोरोना जैसन महामारी में स्थानीय निकाय के जौन सरोकार बा, जौन जिम्मेवारी बा, या प्रदेश सरकार के जौन जिम्मेवारी बा, उ लोग अपन जिम्मेवारी के पूरा करे खातिर डायरेक्ट जनता में जाए के उ लोग के लगे एगो अवसर रहे और लोग भी बा। जहां तक ले सवाल बा प्रदेश सभा सदस्य के, उमे हम ही कहे के चाहे जे प्रदेश सभा सदस्य जे भी लोग बा, उ अपन प्रदेश खातिर हमनी के जैसे प्रदेश नंबर 2 में हमनी के निर्वाचित बानी, अपन प्रदेश खातिर यहाँ हमनी के कानून निर्माण करे के साथ साथ जनता के सुख दुख, जनता के विकास, ये हर चीज में हमनी के सहयोग करे के बा। तो हमनी के एमए सहयोग के भूमिका जवन बा उसे हमनी कहीं अलग नहीं की, आ उ भूमिका हम ई कहीं जे हमरा के प्रदेश सरकार जिम्मेवारी नहीं छे देले, आ हम अपन भूमिका से अलग हो जाई, हम अपन जिम्मेवारी पूरा ना करी, हम जनता के बीच में जइबे ना करी, जनता के सुख दुख में हम शामिल ना होई, ई कहे के हमरा नाम। पारस जी कहे के मतलब अपने के संकेत बा, अपने के संकेत बा कि अप्रत्यक्ष रूप से हमनी जनता के साथे में बानी। हमनी जनता के साथे में बानी, आ जे लोग कहता जे हमरा जिम्मेवारी नइखे मिलल, ओकरा के सबसे बड़का जिम्मेवारी जनता देले बा निर्वाचित क के, जे अपने हमर नेता है, अपने के हमर सुख दुख में साथ रहे के बा, हमर पीड़ा के अपने के उठावे के बा, हमर पीड़ा के अपने के संबोधन करावे के बा, ई जिम्मेवारी तो बढ़ले बानू, ई जिम्मेवारी से हमने कहा अलग बानी।
पारस जी, लेकिन अपने के प्रदेश दू के सरकार के प्रतिपक्षी दल के रूप में रहल दल के नेता लोग खुलेआम रूप में मीडिया में आके वो लोग चर्चा परिचर्चा कर रहल बा, प्रतिक्रिया दे रहल बा, अपने लोग में कड़ा हमला बोल रहल बा कि हरेक काम में प्रदेश सरकार विफल हो चुकल बा और खास करके कोरोना के महामारी के नियंत्रण में प्रयास में प्रदेश सरकार एकदम निरीह बा, कोनो काम ना कैलक। जनता के जवन जन निर्वाचित जनता अपने लोग कैले बा, जनता के मत के कहीं ना कहीं धोखा देले बा कह के इस सरकार विपक्षी दल के नेता लोग के कहना बा। एमे मनोज भाई हम ई कहे के चाहेम उ हमर मित्र लोग के, जे सबसे पहले हमनी देश के जनता हई, हमनी एगो नेपाली हई, नेपाली नागरिक हई, आ हमनी के कोनो भूगोल में होई, हिमालय में होई, पहाड़ में होई, मदेश में होई, सबसे पहले हमनी के ईमानदार बने के। जब ले हमने ईमानदार ना बने, हमनी अपन जिम्मेवारी पूरा ना करें, आ हमनी खाली राजनीतिक करें, तब ले हमनी के देश के सबल ना बनावे सकें, देश के सक्षम ना बनावे सकें, देश हमनी के समृद्ध ना हुई। ए में हम उन मित्र लोग के हम ई निवेदन करे के चाहे, ये उ मित्र लोग ई जानो जे जहिया कोरोना के महामारी हमनी के नेपाल में प्रवेश कैलक, जब से देखाई देलक, चैत 11 गते से लॉकडाउन शुरू भए, सबसे पहले प्रदेश सरकार के मातहत रहल हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल सब में सबसे पहले फर्स्ट में प्रदेश सरकार अपने के सवा 31-31 लाख रुपया भेजल। उ कोरोना के महामारी में डॉक्टर लोग के काम करे खातिर, ओकर बाद अपने के संघीय सरकार के मार्फत 1 करोड़ रुपया के लेटर आयल प्रदेश सरकार के लगे, ओकर जानकारी हरेक हॉस्पिटल में देलक। ओकरा बाद हरेक अपन मातहत के हॉस्पिटल में 5.5 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार देलक, उ हॉस्पिटल के अपग्रेड करेला, उ हॉस्पिटल में वेंटिलेटर और अपने के आईसीयू निर्माण करेला। पारस जी, हम अपने के ही लंग रोके हम प्रदेश प्रदेश सरकार, मनोज भाई एक मिनट, वही क्रम में अपने के प्रदेश सरकार बीरगंज हॉस्पिटल में भी 50 लाख रुपया देलक। अपने के स्थानीय तह में अच्छा, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल मात्र देवे के चाहता नहीं, पूरा जवाब देवे ला तो बहुत टाइम चाहिए, पूरा जवाब देवे ला तो हमनी के उ मित्र लोग के आमने सामने अपने के करे के पड़ी। जी जी, हमनी के अपने के ही आग्रह करे के चाहता नहीं कि प्रदेश सरकार के लगे जौन बजट बा, देश के कुल बजट के 2% मात्र प्रदेश सरकार के लगे बा, अपने लोगों के भी मालूम हुई जौन बजट बा ओकर भीतर रह के अपने के कोरोना के महामारी में जनता भूखे ना सूतो, ओकरा खातिर हरेक गांव पालिका में 10 लाख रुपया फर्स्ट चरण में, नगर पालिका में अपने के 15 लाख रुपया, उप महानगर पालिका में 20 लाख और अपने के महानगर पालिका में 25 लाख रुपया के सहयोग कैलक। ये स्थानीय निकाय के जे भी हमनी के जनप्रतिनिधि लोग बा उमे कुछ प्रदेश सरकार के पैसा सहयोग हो, ओकर बाद प्रत्येक जिला के हरेक उद्योग वाणिज्य संघ के वो घरेलू के मार्फत अपने के 2 करोड़ रुपया के राशन दूसर का लौट में भेजलक। जी जी, प्रदेश सरकार निरंतर डॉक्टर से संवाद करता, प्रदेश सरकार निरंतर एमे लागल बा। लेकिन पारस जी, अपने इतना बात कहतनी, इतना कहला के बावजूद भी प्रदेश सरकार सबसे पहले कलैया हॉस्पिटल के कोविड हॉस्पिटल के रूप में घोषणा कैलक, लेकिन का जिला कलैया अस्पताल अपने के सही रूप में कोविड नियंत्रण के काम करे सकल, वहाँ अपने लोग व्यवस्थापन करे सकनी, वहाँ तक कुछ व्यवस्थापन ना रहे। एकदम राइट मनोज भाई के बात से हम पूर्ण रूप से सहमत बनी, जे कलैया अस्पताल के COVID-19 के घोषणा कैलक, काम ना होके सकल, वही से हम कहनी है जे हमनी के जे भी लोग बानी जवन जगह में बानी, हमनी के सबके अपना से ईमानदार बने के पड़ी। जी, जी जी, आज के दिन में मनोज भाई हमनी कहतानी जे डॉक्टर भगवान के रूप बा, निश्चित रूप में बाद ही डॉक्टर ही ऐसा लोग बा, या हमनी के स्वास्थ्य कर्मी ही ऐसा लोग बा जवन लोग आज कोरोना के महामारी में अपने के पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ जाता और सेवा भी करता। लेकिन डॉक्टर में भी भगवान के रूप में ना, शैतान के रूप में भी डॉक्टर बा जवन कलैया हॉस्पिटल के मेसू है। एकर प्रमाण
अपने 12 जिला के जनता से ले सकता अपने के 12 जिला के 12 जिला के कोलभी नगर पालिका के युवा हॉस्पिटल में बिना उपचार के तड़प तड़प के मर गई बिरगज में। इलाज ना मिले सकल 5 घंटा तक ले। बिरगज में विरोध प्रदर्शन भइल, कलैया में का भइल, अपने लोग का कहनी? भगवान हमनी कहतनी डॉक्टर के, लेकिन डॉक्टर लोग भगवान के रूप में काम कर रहल बा। उहे बात हम कहतनी जे जबले हमनी सब लोग अपन जिम्मेवारी पूरा ना करे, उहे बात अपने कहतनी। कलैया में जनप्रतिनिधि या अपने के जिला प्रमुख अधिकारी या सुरक्षा निकाय के SP वही अपने के ई जिम्मेवारी में, कोरोना के जिम्मेवारी में पूर्ण रूप से लागल बा, पूर्ण रूप से खटल बा। जिला प्रमुख अधिकारी अपने के विपद व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष हुआ, संयोजक हुआ, उ विपद व्यवस्थापन समिति के निरंतर बैठक कैले बा। लेकिन हमनी के 12 जिला कलैया के मेसू इतना ना ज्यादा अपने के माने अब गैर जिम्मेवार मेसू पर गइलन, जमुना के चलते हमनी के कलैया हॉस्पिटल में निश्चित रूप में हमनी के स्वीकार करे के पड़ी। कोरोना ऐसा महामारी में प्रदेश सरकार के रकम भेजते हुए भी आइसोलेशन के व्यवस्थापन कई नगर पालिका कैलक, आइसोलेशन के देख रेख CDO कैलक, आइसोलेशन के देख रेख जनप्रतिनिधि कैलक, लेकिन डॉक्टर उ जिम्मेवारी से अलग रह। डॉक्टर मात्र एगो टीम बना दलक कोरोना में जाके या देख रेख करे के। उ डॉक्टर लोग के भी जे जौन टीम गई वो लोग के भी व्यवस्थापन सही से ना कैलक। अपने के ही डॉक्टर हमनी के कलैया हॉस्पिटल में आज के दिन में 6.25 करोड़ रुपया लेप्स करा दिलक, कोनो काम ना कैलक। आ एकरा खातिर हमनी निरंतर लागल बानी, निरंतर हमनी के। लेकिन पारस जी, जवन डॉक्टर लोग जवन स्वास्थ्य जवन स्वास्थ्य हम अपने के ही लंग रोकेम, पारस जी अपने के हम यही लंग रोकेम, जवन डॉक्टर लोग जवन स्वास्थ्य कर्मी लोग सरकार के डबल भाता खाता लोग कोरोना नियंत्रण और कोरोना महामारी के फ्रंट लाइन में काम करतनी कह के, और वो डॉक्टर लोग स्वास्थ्य कर्मी लोग काम नहीं के कर रहल, तो का अपने लोग के क्षमता नहीं के उ लोग के कार्रवाई करावे के? एकदम राइट अपने के अपने अपने के बात से हम एकदम पूर्ण रूप से सहमत बनी। टोटल स्वास्थ्य कर्मी के बात हम ना कहनी, हम सिर्फ वैसन डॉक्टर के बात। जी हम वो वैसन लोग जे खाली भाता खाता काम नहीं के करत। आज के दिन में भाता के भी जौन बात कहनी, ई हमनी के कलैया के मेसू साहेब 50 लाख रुपया जौन वैसन स्वास्थ्य कर्मी लोग के भाता खातिर आये, भाता भी उ अपन स्टाफ के अपन स्वास्थ्य कर्मी के भी भाता ना किया के, उ 50 लाख रुपया भी लैप्स करा दल। सवाल रहल कार्रवाई के, सवाल कार्रवाई के बाद आज के दिन में अपने के हम एग्जाम्पल के रूप में देता नहीं जे अपने के कार्रवाई करे के अधिकार बा, स्पष्टीकरण को पूछे के अधिकार बा, लेकिन यहाँ हमनी के नेपाल सरकार पूर्ण रूप में लोक सेवा खोल के या डॉक्टर के मांग करके या डॉक्टर के परिपूर्ति ना भइला के चलते आज ही अवस्था बा। लेकिन अपने के प्रदेश में हम गया, पारस जी अपने के प्रदेश में लोक सेवा आयोग गठन बा, लेकिन लोक सेवा आयोग गठन भइला लामा समय में भी एको गो अपने के कर्मचारी के आह्वान मांग के आह्वान ना करे सकल प्रदेश 2 के लोक सेवा आयोग, तो एमे तो कहीं ना कहीं अपने लोग के भी गलती बा। सुनल जाओ, अभी सब लंबा बात बा मनोज। जी प्रदेश सभा में लोक सेवा आयोग गठन बा, लेकिन अभी जो हम संविधान बा अपने कोनो कानून बनाए, जैसे संविधान में हरेक प्रदेश में प्रहरी संगठन के अधिकार तो देले बा सरकार नो, हरेक प्रदेश में ओमे से प्रदेश नंबर 2 भी अपन कानून बना के पूरा रेडी कर लेले बा, लेकिन यहाँ भी प्रदेश प्रहरी बहाली करे के उ भी तो अपने के प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही बहाली हुई। लेकिन प्रदेश सरकार बहाली करे के अपने के केंद्र ओकर बाधक बनल बा, जमुना के चलते प्रदेश के अब सर्वोच्च में जाए के पड़ता। कौन के अधिकार जवन नेपाल सरकार के संविधान में, कौन के अधिकार प्रदेश के जवन मिले के चाही, ओमे भी बाधक बनल, जमुना के लेके सर्वोच्च में जाए के पड़ल। उहे बाटे अपने के लोक सेवा में अपने के प्रदेश प्रहरी या डॉक्टर या ई प्रदेश में जितना भी परिपूर्ति करे के बाद कर्मचारी ओकरा खातिर अपने के प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहाली कर जाओ, एकर बाधक नेपाल सरकार बा। वैसे कहनी लंबा बात बा,
नेपाल सरकार प्रदेश दू के सरकार प्रदेश दू के सरकार खाली केंद्रीय सरकार के दोष देवेला पारस जी। मनोज भाई जी केंद्रीय सरकार के दोष केंद्रीय सरकार के काम कार्रवाई केंद्रीय सरकार के कर्तव्य केंद्रीय सरकार के जिम्मेवारी आम नेपाली जनता देखत आनो। जी 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 केंद्रीय सरकार के खुद मुखिया ई देश के प्रधानमंत्री हमनी के प्रधानमंत्री अपने सुनले बानी कि ना अब नेपाल में कुनै जनता भोकै बस्दैन। अब नेपाल में धन कमाउनको लागि जनता कमाउनु पर्छ खानाको लागि कमाउनु पर्दैन। प्रधानमंत्री के हमनी के देश के मुखिया के बात तो सुनले बानी को गरीब खातिर केंद्र से पैसे जाई। पारस जी हम अपने के एगो एगो ई प्रश्न के हमनी यही लंग रोकल जाओ हमनी के समय कम बा संक्षिप्त रूप में हमनी के बातचीत सीधा प्रश्न के सीधा जवाब हम अपने से लेवे के प्रयास में बानी। पर हरी एन के अपने बात कहनी है कि हमनी के रेडी बा बन गेल बा प्रदेश नंबर दू में दू के सरकार में अपने के प्रदेश नंबर दू के सरकार संघीय सरकार के 7 दिन के अल्टीमेटम देले बा। अपने समाचार सुन ले हम अपने के नीति निर्माण लेवल में बानी अपने के पता हुई ई का ह 7 दिन में अपने लोग प्रहरी एन कानून करवाएम प्रदेश सरकार अपन प्रहरी प्रशासन अपन हाथ में ली ऐसा अपने के आशा बुझाता अपने के भरोसा बा कि ई खाली संघ सरकार के घुरकी लगावे के काम बा। ई अपने के हमरा ई भरोसा नहीं थे एकरा खातिर प्रदेश सरकार दोनों में तैयार बा। यदि जवन संविधान अधिकार देले बा उ संविधान के कार्यान्वयन करे खातिर यदि नेपाल सरकार उमें से ईमानदारी पूर्वक अगर अपन जिम्मेवारी के पूरा करता तो अपने के बहुत जल्द ही ई प्रहरी संगठन के जिम्मेवारी प्रदेश सरकार में हुई। यदि उ नहीं करत तो अब प्रदेश सरकार सर्वोच्च में जाए के भी तैयारी में बनी। जी हम आज के आमने सामने के दंगल में हमनी के साथ में बानी 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के ख से प्रदेश सभा सदस्य रहल पारस शाह जी। पारस शाह जी प्रदेश नंबर 2 के सरकार हर सूचकांक में पीछे बा। शिक्षा में होके चाहे स्वास्थ्य में होके चाहे गरीबी के होके चाहे बेरोजगारी के होके चाहे किसान लोग के सिंचाई के हर एक क्षेत्र में अपने लोग पीछे बानी। लेकिन एगो क्षेत्र में प्रदेश सरकार सबसे आगे आ रहा बा पिछलका दिन में और वो क्षेत्र अपने के पता बा भ्रष्टाचार के क्षेत्र में। भ्रष्टाचार के क्षेत्र में प्रदेश नंबर 2 नंबर 1 हो रहा बा लेकिन अपने लोग सरकार में बानी सबसे पहलका जिम्मेवारी अपने के लोग के बा काहे कि अपने लोग शहीद के बलिदानी से स्थापित होकर सरकार में पहुंचल बानी। का शहीद के सपना पूरा हो रहा बा? प्रदेश दुख के सरकार में इतना भ्रष्टाचार बा। प्रदेश सरकार का कर रहा बा? स्थानीय तंत्र में स्थानीय सरकार में लूट मचल बा। पारस जी प्रदेश नंबर 2 के सरकार के जवन अपने के जिम्मेवारी बा निश्चित रूप में उस जिम्मेवारी के तहत आगे बढ़ रहा बा। स्थानीय निकाय के जवन अपने बात कहल गई स्थानीय निकाय अपने के संघ के मातहत प्रदेश के मातहत में नहीं थे लेकिन अपने लोग के कम से कम विरोध करे के चाहे अपने के भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय अंतर्गत से संचालित 12 और परसा में के जानकारी करम बा सब विफल हो गेल बा। मनोज जी एगो बात सुनल जाओ जी अपने बड़ा बढ़िया प्रश्न उठावल गेल ह ई प्रदेश अपने के माने मानव सूचकांक में सबसे पीछे बा। जी जी शिक्षा में सबसे पीछे बा रोग में सबसे आगे बा और भ्रष्टाचारी में सबसे आगे बा। अपने जवन बात उठावल गई बहुत बढ़िया प्रश्न उठावल गई लेकिन ई प्रदेश के समृद्ध बनावे खातिर ई प्रदेश में अगर विभेद के नजरिया से नहीं से देखल जा ई प्रदेश भी नेपाल के भीतर बा ई नजरिया से अगर देखल जाता तो अपने से हम ई कहे के चाहे अपने से हम बतावे के चाहे ई प्रदेश के पॉपुलेशन 54 लाख बा। 54 लाख में और कोनो प्रदेश के पॉपुलेशन 11 लाख बा कोनो प्रदेश के 15 लाख बा। 3 नंबर प्रदेश के बात अगर छोड़ दिया है जमुना में काठमांडू भक्तपुर सब जुड़ल बा वो छोड़ दिया है तो बाकी प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहे वाला प्रदेश प्रदेश नंबर 2 बा जवन मानव सूचकांक में भी पीछे बा शिक्षा में भी पीछे बा रोग में ग्रस्त बाटे भ्रष्टाचारी भी ज्यादा बा विकास निर्माण में भी सबसे पीछे बा। वहां नेपाल सरकार के बजट जहाँ 11 लाख पॉपुलेशन बा ओकर और 54 लाख पॉपुलेशन के बराबर बा। ये साल 11 लाख से पर बढ़ा देने बा लेकिन 54 लाख वाला के घटा देने बा। दूसर अपने के एगो विशेष बजट होला एगो संपूरक बजट होला उमे संघीय सरकार 54 लाख में जमा अपने के 2 करोड़ रुपया भेजले बा जवन अपने के हमनी के 12 जिला के ही 16 गो पालिका में अगर बांटल जाए 2 करोड़ रुपया त
तो अपने बतावल जाओ डेढ़ लाख दू लाख माने कितना रुपया पड़ी हर एक पालिका में बांटल जाता था, जबकि उहे 11 लाख वाला में। पारस जी ठीक बा, संघ सरकार और स्थानीय सरकार हम अपने के रोकत नहीं। मतलब ही बा जब ने 1,46 करोड़ रुपया भेजले बा, तो जब ने विभेद जारी रही, जब ने देखे के नजरिया, देखे के चश्मा अपने के साफ ना हुई, जब ने मधेश के जनता के अपने नेपाली के दृष्टि से ना देखे, तबले की समस्या समाधान ना। ठीक बा पारस जी ठीक बा, अपने के बात हमनी मननी। ठीक बा, स्थानीय सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में बा, पर संघ सरकार अपने लोग के हेपा प्रवृत्ति से देख रहा बा। चलिए एक मिनट खातिर ये बात के मानल जाओ, लेकिन प्रदेश सरकार से जवन योजना सब जवन निर्माण हो रहा बा, बन रहा बा, जवन प्रदेश सरकार, जी प्रदेश सरकार से जवन योजना बन रहा बा, भ्रष्टाचारी के जहाँ बात कहनी, प्रदेश नंबर दू में क्या भ्रष्टाचार हुई? अपने लोगन भी पत्रकार बनी, हरेक माने अपने स्थानीय निकाय में घूम रहल बनी, ई तो विकास से इतना ना पिछड़ल जगह बा, जहाँ आज स्थानीय निकाय के प्रयास से या प्रदेश के प्रयास से कुछ विकास लौकियो रहल बा। पहले भी तो रहे नु, पहले तो आज अपने के जाई ना, कौन प्रदेश में भ्रष्टाचारी नहीं के, ऐसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बा। लेकिन पारस जी, प्रदेश नंबर दो के हम बात करते नहीं पारस जी, एक मिनट अपने सुनल जाओ हमारी बात के। यहाँ तो अपने के 10,000 या 20,000 में यहाँ अपने के प्रदेश नंबर दो में पकड़ के या कार्रवाई करके या प्रदेश नंबर दो के बदनाम कर जा रहा बा। अपने के चाहिए अपने के अरबो खरबो रुपया के बजट भ्रष्टाचारी हो रहा बा, वहाँ कहियो अख्तियार के आंख ना जाला, चाहे तो सब मिली भगत बाटे, बुझल गए भ्रष्टाचार होला, चाहे 1 रुपया के होखो चाहे करोड़ों रुपया के होखो। हमरा कहे के मतलब बा, प्रदेश दू के सरकार से जौन योजना सब निर्माण हो रहा बा, जौन सड़क निर्माण हो रहा बा, जौन पुल निर्माण हो रहा बा, अपने के भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय अंतर्गत के सैकड़ों विकास निर्माण के कार्य सब प्रदेश नंबर दू के खास करके 12 वर्ष में अपने के संचालित बा, लेकिन इहे के अपनहिए के सरकार में रहल मंत्री लोग के आसे पासे चाचा भतीजा काका लोग के उपभोक्ता समिति में रह के ठेकेदार बना के लूट मचावल गई बा, ई बात अपने के था नहीं के? सही से काम हो रहल बा, योजना सब सही समय में निर्माण हो रहल बा। अब देखल जाओ, सबके जवाब तो हम ना देवे सके मनोज भाई, जी जी, लेकिन हम दवा के साथ कहें, अपने एगो मीडिया कर्मी बानी, अपने के काम हो इस देश के गतिविधि, समाज के गतिविधि, जिला के गतिविधि पूरा जनता में पारदर्शी करे। अपने लोगों के हम धन्यवाद देवे के चाहें, अपने के माध्यम से मीडिया कर्मी लोग के माध्यम से सब पारदर्शी भी हो रहा बा आज के दिन में। जी पारस जी, अपने के सरकार में रहल नेता के ठेका पट्टा मिलल बा और काम सब नहीं के हो रहा परसा जिला बारा जिला में। सुनल जाओ, वही से हम एग्जाम्पल के रूप में कहे के चाहें, जे अपने के 12 जिला क्षेत्र नंबर 3 खसे जहाँ से हम निर्वाचित बानी, जी जी, अपने आवल जाओ, अपने के स्वागत बा, हमर क्षेत्र में अपने घूमल जाओ, जवन प्रदेश सभा सदस्य के जिम्मेवारी के नाते जवन बजट हमरा मिलल बा, या प्रदेश से हम अलग से अपन निर्वाचन विकास कोष के अलावा जवन लियाइल बानी, ओकर अगर ईमानदारी पूर्वक काम प्रदेश नंबर 12 जिला क्षेत्र नंबर 3 के ख में अगर ईमानदारी पूर्वक ना भइल होई, उ काम से वहां के जनता अगर संतुष्ट ना हुई, तो जनता के दंडित करे के भी अधिकार बा, जनता के पूछे के भी अधिकार बा। आ हम अपने के दावा के साथ कहतनी, जे उ विकास निर्माण के काम में यदि गलत भइल होई, उ विकास निर्माण के काम जनता के अपेक्षा के विपरीत भइल होई, तो हम अपने के जवन जनता जिम्मेवारी देले बा। पारस जी, अपने अपने प्रदेश अपने सांसद बानी, प्रदेश देखल जाओ, ये सब जिम्मेवारी के बात है। जी जी जी, एको चीज मनोज भाई क्या कहनी है, जब ले सब लोग अपन अपन जगह से ईमानदार ना हो, हमनी के अपन समाज के, अपन देश के, अपन जिला के सक्षम ना बनावे सकें, हरेक लोग के ईमानदार बने के पड़ी, तब जाके हमनी के कुछ करे सके। पारस जी, हमनी के कार्यक्रम के अंत अंत के ओर आ गेल बानी, अंत में हम अपने से एगो संक्षिप्त प्रतिक्रिया ले हम आधा मिनट में,
अपने के प्रदेश नंबर दू के सरकार काम ना करे सकल, मुख्यमंत्री काम ना करे सकल, कह के अपने ही के सरकार में रहल दल के अब दोनों दल तो अब एक हो गई बा। अपने के अब जनता समाजवादी पार्टी के नेता लोग ही मीडिया में आके कह रहा बा कि अब सरकार परिवर्तन के जरूरी बा, प्रदेश नंबर दू के सरकार परिवर्तन के अपने संकेत देख रहा बनी, आशा बा भरोसा बा कि होई कि ना होई कि अभी जरूरी नहीं के प्रदेश नंबर दू के सरकार काम ना करे सकल एकरा खातिर परिवर्तन होई ई बात ना। अभी अपने के राजपा और समाजवादी मिल के जसपा बन गए, जी जी जी। आज अब जसपा बन गए तो निश्चित रूप में अब राजपा और समाजवादी जहिया निर्वाचन आयोग में दर्ता हो गई अब राजपा समाजवादी के अंत हो गए, जी जी। अब तो जसपा के नेता वहाँ चाहिए, जी 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 जी। पहले वहाँ राजपा और समाजवादी मिल के प्रदेश नंबर दू के सरकार रहे, अब तो एक एक नेता चाहिए, तो एगो नेता खातिर पहले तो राजपा के भी एगो नेता रहस, जी जी, समाजवादी के भी एगो नेता रहस, लेकिन अब तो एक एगो नेता चुनाई, अब सारा दिग्गज नेता एक एगो झंडा, एक एगो झंडा के नीचे आ गए बा, सारा दिग्गज नेता एक एगो झंडा के नीचे आ गए बा। तो अब अपने के बड़का नेता लोग कह रहा बा कि अब सरकारों परिवर्तन हो सकता, चाहे मंत्रिमंडल हेर फेर हो सकता, कितना संभावना बा? एकदम संभावना बा, ऐसे हुए बात तो हम कहनी अब तो एक एगो नेता चुनाई हो, तो एगो नेता जब चुनाई तो निश्चित रूप में हेर फेर तो होबे करे। चलिए हमनी के पारस जी, हमनी के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में आज हमनी संगे सहभागी भइनी है, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद अपने के, और अगला कार्यक्रम में भी हम अपने के विविध विषय सब में चर्चा परिचर्चा करें। हमनी के साथ में हमारा आशा बा भरोसा बा कि जनता के जवाब देवे खातिर बार बार अपने मीडिया में आयम कह के हमनी के आशा बा, और आज हमनी के समय देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त रूप में अपने जनता के कुछ कहे के चाहतनी? धन्यवाद धन्यवाद मनोज भाई, हम सबसे पहले अपने के सानवी रेडियो के संपूर्ण टीम के अपने लोगन के हम हृदय से ही धन्यवाद देता नहीं, आ निरंतर अपने लोगन जितना भी देश के गतिविधि बा जनता के सामने ले आई, आवे वाला दिन भी अपने लोगन के सुखद हो को ये शुभकामना भी बा, आ निश्चित रूप में आवे वाला दिन प्रदेश नंबर दू खातिर अच्छा होके यहाँ के हमनी के सब लोग के ईमानदार बने के पड़ल, ताकि हमनी अपन जगह के प्रदेश नंबर दू के हमनी के अच्छा बनावे सकी, देश के अच्छा बनावे सकी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी, हमनी संगे बातचीत कर देनी है एकरा खातिर, पारस जी हमनी से बातचीत कर देनी है एकरा खातिर, बहुत बहुत पारस जी के धन्यवाद, और खास करके धन्यवाद हमनी के अभिन के रेडियो सुन रहा हमनी के तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के। कार्यक्रम आमने सामने के दंगल से आज हम मनोज पटेल विदा चाहें, प्रदेश नंबर दू में नया सवेरा नया किरण आओ हम आशा करें, और अगला कार्यक्रम में हम अपने से फिर ऐसे ही दंगल में आमने सामने में उपस्थित होकर, धन्यवाद नमस्कार प्रणाम। रेडियो सानवी टाइम छे अहिले 8 बजेको छ।